मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीडा में पेप्सिको कंपनी के सबसे बड़ा दूसरा प्लांट का भूमि पूजन व शिलान्यास किया। इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पेप्सिको का प्लांट लगने से 1500 से 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जो कि 1100 करोड़ की लागत से लग रहा है। गोरखपुर में इतने प्लांट लग रहे हैं कि लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यूपी में अपराध कम हो गए हैं, यहाँ पर कानून का राज चल रहा है। कानून के डर से अपराध की पैंट गीली हो जा रही है। पेप्सिको का प्रयागराज, अमेठी और चित्रकूट में भी प्लांट लगेगा। प्लांट लगने से रोजगार के साथ ही छोटी सप्लायर कंपनियों, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर का भी विस्तार होगा। गोरखपुर के नाम से लोगों को भय होता था, लेकिन पिछले 6 सालों से गोरखपुर की छवि बदली है। अब गोरखपुर का नाम लेने से सम्मान का भाव पैदा होता है। इसे बरकरार रखने का दायित्व हर नागरिक का है। प्लांट लगने से 1 लाख लीटर दूध की प्रतिदिन जरूरत पड़ेगी, जो कि गोरखपुर के किसानों व पशुपालकों से लिया जाएगा। उसका उनको अच्छा दाम मिलेगा। इससे 10,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। ृहत् प्रजापति क्षेत्रे विक्रम सिदे बहुद्धावतारे वर्तमाने नल्लामा कल्याणार्थम अस्मिन् नूतन उद्यानस्य प्रतिष्ठां करिष्ये। पुनरस्ते जलमादाय तत्रादौ निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थं गणपते देवताभ्यो नमाध्यायामि। देवस्य त्वा सवितुः रजनेष्वीनोर्बाहुभ्यां भूषणो हस्ताभ्य मा यदानि पार्थ्यर्घ्यात्मनि स्नानि पुनरात्मनि यानि जलम् स्वाहाय स्वाहाय स्वास्ते पुष्पाण्यादाय ओं चे नय चंदमे नम विष्णवे नम नम। अतिथि देवो भव की परिकल्पना को सार्थक करने के लिए रिस्पेक्टेड वृद्ध निवासक गणेश भगवान की प्रतिमा स्वयं के रूप में आपके आगामी सुखद जीवन के एवं पुष्प कलिका भेंट करके एवं भगवान गजानन की प्रतिमा उन्हें सफेद भेंट करें। एक बार पुनः अनुरोध करेंगे रिस्पेक्टेड IIDC श्री मनोज सिंह सर का स्वागत करें। आदरणीय चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट है कि हम आदरणीय श्री रवि जगुरिया सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत आप अपने मुखारवंद से। नमस्कार। हमारे ग्रीनफील्ड प्लांट की भूमि पूजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि इस पवित्र शहर में भूमि पूजन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम गोरखपुर जैसे बड़े मार्केट में अपनी ऑपरेशन को एक्सपेंड करके पेप्सी के हम वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, और अभी इंडिया में हमारे 36 प्लांट हैं जिसमें से 7 प्लांट यूपी में हैं, और इन प्लांटों में करीब 7,000 लोग से अधिक रोजगार पा रहे हैं। नाम डॉक्टर धर्मेंद्र जी MLC के गुरु हमारे अध्यक्ष जी रहना, और अवनीश कुमार अवस्थी के एडवाइजर जो पप्पू जी महाराज जी,
आपके स्वागत है। मनोज कुमार सिंह जी IAS उत्तर प्रदेश, श्री कुमार एन जी IAS, श्री कृष्णा कमले जी मेडियम साहब, पवन अग्रवाल जी CEO गोरखपुर, कमलेश कुमार जैन जी, देवराज सुखोन जी और सभी मंचासीन, चूंकि महाराज जी को देवरिया जाना है, ज़्यादा समय ना ले हम सभी मंचासीन माननीय विपिन सिंह जी ग्रामीण जयपुर सभी लोग और बाकी सबको प्रणाम, चूंकि महाराज जी को जाना बहुत सारे कार्यक्रम है महाराज जी के। ऐतिहासिक पेप्सी, हमजा, कोको कोला, ये सब हम लोग के सपना है गर्मी में ठंडा ठंडा पीने का, लेकिन ये सपना गोरखपुर में आई ये सोचे नहीं थे। लोगों के रोजगार मिली हो, गरीब के सोच हो, ये प्लांट नहीं है, ये रोजगार है, ये वो सोच कि पेप्सी, वर्ल्ड फेमस पेप्सी को, और रवि जयपुरिया जी को स्वागत। आज 20,000 करोड़ की कंपनी सिर्फ यही एक प्लांट की, अनगिनत प्लांट के मालिक कई बिलियन ट्रिलियन डॉलर के व्यक्ति इतने साधारण से यहाँ काला कोट पहन के बैठे हैं। भूमि पूजन में, भूमि पूजन समारोह में उपस्थित नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के वर्तमान एवं भविष्य के शिल्पकार, 25 करोड़ प्रदेशवासियों की समृद्धि और खुशहाली के लिए निरंतर काम करने वाले, आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने वाले कर्मयोगी मुख्यमंत्री, हम सब के अगुवा परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित आपके लोकप्रिय सांसद, बहुत ही सम्मानित, जिन्होंने अभी आपको पूरे जोश और भरोसे के साथ लबरेज किया और आपकी पल पल चिंता करने वाले, आपकी बात को देश के सबसे महत्वपूर्ण जगह जहां पर आपने भेजा है वहां पर आपकी सुख दुख की बात करने वाले सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, IIDC श्री मनोज कुमार सिंह जी, शिलान्यास किया जा रहा है। हम सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर धन्यवाद अर्पित करते हैं। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री औद्योगिक विकास के सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, सहजनवा के विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं स्थापना विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, सलाहकार मुख्यमंत्री श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, चेयरमैन गौरव वैग्रेस श्री रविकांत जयपुरिया जी, चेयरमैन वेदांता मेडिसिटी ग्रुप डॉक्टर नरेश रेखम जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वरुण वैग्रेस से जुड़े हुए सभी, उनके इस ग्रुप से जुड़े हुए अधिकारीगण, गीडा के हमारे CEO, जिला प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई बहनों, रविकांत जयपुरिया जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने इस अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित प्लांट को, बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा को स्थापित करने के लिए चुना है। मैं गोरख
जबलपुर वासियों की ओर से और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका और आपकी पूरी टीम का स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी पूरी टीम को जिन्होंने वरुण वैलेज के साथ प्रदेश के अंदर चार स्थानों का इस प्रकार के अत्याधुनिक प्लांट लगाने जो जनता की आवश्यकता के लिए अलग अलग प्रकार के मधुर पेय उन्होंने उपलब्ध कराई के लिए अनुमान कर लीजिए कि लगभग 6000 कर्मचारी सीधे सीधे 6000 नौजवान वहां पे नौकरी के साथ सीधे जुड़ेंगे और 50,000 किसानों को इनडायरेक्ट वहां से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। और यही तो है प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है कि अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करना, लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए नए नए तरीकों को आगे बढ़ाना और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर हम लोग आए हैं। उत्तर प्रदेश आज बदल चुका है। जिस उत्तर प्रदेश में आज से 6 वर्ष पहले दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, आपने देखा होगा रामनवमी में देश के अंदर अलग अलग राज्यों में दंगे हो रहे थे और जहां भगवान राम का जन्म हुआ उस उत्तर प्रदेश में लोग अमन चैन के साथ खुशहाली मना रहे थे। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में 35 लाख श्रद्धालु आए थे, 35 लाख श्रद्धालु अयोध्या आए थे और एक चिंता भी नहीं था। 1000 से अधिक शोभा यात्राएं निकली थी, हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से भजन गाते हुए शोभा यात्रा निकल रही थी और हिंदू भी और मुसलमान भी उस वर्षा कर रहा था और शोभा यात्रा में चलने वाले लोगों के साथ ही है नया प्रभाव। अब दंगे नहीं होते, अब बम नहीं बरसते, अब पुष्पों की वर्षा होती है जो भी शांतिपूर्ण तरीके से चलता है और शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाले लोगों के लिए कैसे पलक पावड़े बिछा करके पूरा समाज उनके स्वागत के लिए खड़ा होता है रामनवमी के अवसर पर आपने प्रदेश के अंदर देखा होगा। अभी परसों हनुमान जयंती की 6 तारीख को हनुमान जयंती के अवसर पर लगभग 500 शोभा यात्राएं उत्तर प्रदेश के अंदर की और शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम हो रहे थे। दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता दंगों पर नहीं अब विकास पर विश्वास करती है, निवेश पर विश्वास करती है, रोजगार पर विश्वास करती है, डबल इंजन की सरकार पर उसे विश्वास है और विश्वास इस बात को लेकर के है कि जो एक अवसर आया है उनके सामने इस अवसर का लाभ वह लेगा। और आज जब यहाँ पे वरुण वैलेज जहाँ बहुत सारे कार्यक्रम कर रहा है CSR की अपनीतियों से वहाँ क्लिनिक भी चलाता है, स्कूल कॉलेजेस का भी निर्माण करता है, मैं उनसे कहूँगा एक कार्य यहाँ पे जरूर हो जाए। गोरखपुर में हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है, गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय है, एक गोरखपुर विश्वविद्यालय है, एक गोरखपुर में तकनीकी विश्वविद्यालय है, एक आयुष विश्वविद्यालय है और एक निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है। 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंदर कार्य करता है, सैकड़ों कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक हैं, ITI हैं। और मेरा आपसे अनुरोध होगा गोरखपुर या पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर आप ओपन मांड निकालिए कि आपको क्या चाहिए और उस प्रकार का मैन पावर को यहाँ पे ट्रेनिंग का कार्यक्रम ईडा के साथ मिलकर के अगर आप कर पाएंगे मुझे लगता है कि ये तमाम उद्योगों के लिए एक स्किल मैन पावर का भी एक माध्यम बनेगा कि जिस समय उद्योग तैयार होगा उस समय आपके पास स्किल मैन पावर भी आपके पास यहाँ मौजूद होगा और यहाँ के नौजवानों को कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा, उसको तो यहाँ रोजगार मिलेगा ही मिलेगा लेकिन साथ साथ उद्योग को भी स्किल मैन पावर मिलने के कारण पहले दिन से ही उसको अच्छा कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होगा। अभी गोरखपुर में प्रधानमंत्री जी ने 1 वर्ष पहले ही 26 वर्षों से बंद गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाने का को शुरू किया
शुरू हुआ, आपने देखा होगा फर्टिलाइजर कारखाना लगभग 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का निवेश हुआ होगा और कारखाना चल रहा है। स्किल मैन पावर का परिणाम क्या होता है? स्किल मैन पावर का परिणाम यही होता है वह कारखाना आज 105 और उसे 110% की क्षमता से चल रहा है और 100% ही 100% को क्रॉस करते हुए कार्य करता है। ये स्किल मैन पावर जब उद्योग के साथ जुड़ता है तो उसको पहले दिन से ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप अपनी बात बताइए, आपको किस प्रकार का मैन पावर चाहिए? स्किल डेवलपमेंट के सेंटर, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय, अपने विश्वविद्यालयों में उस प्रकार के नौजवानों को तलाशे। और हमने तो आज इस समय एक बात व्यवस्था बनाई, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, 2 करोड़ नौजवानों को हम लोग वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन सरकार की तरफ से उपलब्ध करवा रहे हैं। सरकार की तरफ से 12 एयरपोर्ट पे हम काम करने जा रहे हैं, 12 एयरपोर्ट पर, और तेजी के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। 12 नए एयरपोर्ट आने जा रहे हैं, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, मेट्रो का निर्माण स्तर पर हो रहा है, कहीं मेट्रो कहीं रोपवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अत्याधुनिक साधन दे रहे हैं और कानून व्यवस्था के लिए जो कहना ही क्या है, जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बता बताते थे आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट ने सजा सुनाती है तो उनकी पैटे भी गीली होती भी देखती है जनता, देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी देते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, पर आज उनके सब सिद्धि पिटली घूम है, सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा, कानून के अलावा किसी को कानून के अंदर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी और यह सरकार का संकल्प है और सरकार अपने जीरो टॉलरेंस की उस नीति के तहत आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मैं आज अपने सभी उन उद्यमियों को आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल उनकी पूंजी सुरक्षित रहेगी बल्कि उन्हें ढेर सारा अवसर मिलेगा। इतना बड़ा मार्केट दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिल सकता जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों को नौकरी की सुविधा भी उसी तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए। उनके लिए सरकार ने अप्रेंटिसशिप की स्कीम भी निकाली है, सरकार किसने आधा मान दे दी थी, जहां भी ये कार्यक्रम चलेंगे हर उद्यम के साथ हर उद्योग को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और जो निवेश करेगा इंसेंटिव भी, निवेश के उत्पादन के साथ इंसेंटिव भी ऑनलाइन उन्हें भुगतान करने की प्रक्रिया के साथ हम उनको जोड़ चुके हैं। कहीं किसी भी स्तर पर कोई फाइल नहीं है व्यक्ति वाली, मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करेगा। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर जयपुरिया जी को, श्री रविकांत जयपुरिया जी को और उनकी पूरी टीम को आश्वस्त करता हूं, राज्य सरकार और हमारा पूरा प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रही है। आप निवेश करें, समयबद्ध तरीके से इसे आगे बढ़ाइए, सरकार सभी प्रकार की सुविधाएं और सुरक्षा आप सबको उपलब्ध कराएगी, हर व्यापारी को, हर उद्यमी को, हर नागरिक को। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रति हमारी ये जवाबदेही है और हम अपनी जवाबदेही के साथ बंधे हुए हैं। हर नागरिक के जीवन में खुशहाली लाना, उसके जीवन में हर प्रकार की खुशहाली लाने के लिए सरकार के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए ही सरकार इन सभी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा रही है और जो 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं ये उन्हीं संकल्पों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा है और उस प्रक्रिया में वरुण वैब्रेज ने रुचि दिखाई, मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा और आप सभी गोरखपुर वासियों को और यहाँ पर वरुण वैब्रेज परिवार से जुड़े हुए सभी उनके कार्मिकों को अपनी हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि समयबद्ध तरीके से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए
बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देते हुए अपने निवेश को कई गुना बढ़ाने और उसके माध्यम से प्रदेश और देश की सेवा करने के लिए गौरव वैप्रेज आगे बढ़ेगा, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी, सदर सांसद रवि किशन, बेवरेज कंपनी पेप्सिको के चेयरमैन रवि कांत जयपुरिया ने कहा, उत्तर प्रदेश एक इतना अच्छा माहौल है कि आज देश दुनिया की बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आतुर हैं, आ रहे हैं। उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो कहते हैं मुंह हवा में, आज धरातल पर दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी 10 लाख करोड़ रुपए के एमयू हम जमीन पर उतारने जा रहे हैं। देखिए, इस प्लांट में करीब 1100 करोड़ का लागत, ये पूज्य महाराज जी को दिल से धन्यवाद कि पेप्सिको इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पर आई है, पेप्सी जिसको कहते हैं, और 3 लाख लीटर रोज यहाँ के सहजनवा के ग्रामीण क्षेत्र को, इस इलाके को रोज प्रोवाइड करना होगा, तो 3 लाख लीटर भी मिलेगा यहाँ पर लोगों, लोग खपत लेंगे, तो ग्रामीण जनता के लिए खुशखबरी है, और 1500 लोगों को, परिवार को यहाँ पे नौकरी मिलेगी। तो ये कंपनी ऑलरेडी चालू हो गई है, जो कि विरोधी हमेशा कहते हैं कि खाली महाराज जी अनाउंसमेंट करते हैं, उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है विकास का, तो ये देखना चाहिए कि महाराज जी कभी झूठे अनाउंसमेंट नहीं करते, महाराज जी की सच्चाई कथनी करनी में अंतर नहीं है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। और आज ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक है, हमारे साथ माननीय विधायक यहाँ सहजनवा प्रदीप शुक्ला जी भी हैं, ये भी बड़े प्रसन्न हैं। अभी प्रदीप शुक्ला जी को वहां पर उन्होंने 1100 करोड़ का 1100 करोड़ का स्टेडियम दिया, 11 करोड़ का, ये 1100 करोड़ का पेप्सी दिया, तो ये आज बहुत, ये आज एक बहुत ही शानदार दिन है समस्त गोरखपुर की देवती जनता के लिए, बहुत बड़ी सौगात पूज्य महाराज जी द्वारा मिली है, पेप्सी कंपनी वर्ल्ड फेमस कंपनी आज गोरखपुर में लग गई, इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती।